पूजा। पर तुम कहाँ हो? बहुत दिन हो गए, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। I'm really sorry, darling. अगर मुझे यहाँ important काम नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाता। अरे भला ऐसे कौन अपनी खूबसूरत सी वाइफ को अकेले छोड़ के जाता है? अरे पापा भी तो हैं वहाँ तुम्हारे साथ। मम्मा के जाने के बाद वो बहुत अकेला फील करते। पर मेरा इस घर में मन नहीं लगता अकेले। ऑलवेज अलोन फील करती हूँ। तो थोड़ी देर उनके पास भी बैठ जाया करो, उनका भी मन लगा रहेगा और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छा तुम वापस कब आओगे? प्लीज जल्दी आना। हाँ हाँ मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास हूँ। ठीक है चलो चलो अपने फोन। मिस यू, बाय। अरे मैं कह रहा था कि रात बहुत हो चुकी है और मैं सोने जा रहा था, अगर तुम आके थोड़ा तेल लगा देती थोड़ा आराम मिल जाता। सुन रही हो? जी बाबूजी, आई। क्या करूं, अगर तुम्हारी सासू माँ होती तो उन्हें ये सब बता सकता। कोई बात नहीं पापा जी। तुम नहीं समझ सकती कि एक लाइफ पार्टनर के बिना जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। ये मेरे कोई दिल से पूछे कि सुमित्रा के बिना मैं कैसे जी रहा हूं। मैं समझ सकती हूँ पापा जी। तुम नहीं समझोगी बहू रानी कि मेरी रात कैसे गुजरती है, कि रात रात भर नींद नहीं आती। पापा जी मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए, ठीक हो जाएगा। अभी हाँ हाँ फ्री हूँ मैं, फ्री हूँ। तो फिर घर आ जाओ ना। ओके ठीक है मैं आता हूँ। पापा जी आपकी चाय। अरे रुको बहू रानी, बैठो। वो ठीक है? हाँ बैठो बैठो। आओ ना अंदर आओ।
कहीं जा रही हैं क्या आप? मेरे लिए? हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ। प्लीज, तुम्हें पता है? अरे अरे रुको बहू रानी, मैं चैनल चेंज करने जा रहा था। कोई बात नहीं पापा जी, वो मुझे वैसे ही काम था किचन में, मैं वो कर लेती हूँ। हेलो तन्मय। हाय पूजा, कहाँ हो तुम? कितना टाइम लगेगा? और जल्दी आओ ना। अरे यार, एक इम्पोर्टेंट काम में फंसा हूँ, वरना आ जाता। काम? कौन सा काम? तुम पापा का ध्यान रख रही हो? वो तो रख रही हूँ, पर ना पापा जी मुझे कुछ ठीक से नहीं लगते, उनकी हरकतें मुझे समझ नहीं आती, बहुत अजीब है। मम्मी के जाने के बाद बहुत अजीब बिहेव करने लगे, उनका ध्यान रखो। बाय, लव यू। अरे बहू, किससे बात कर रही हो? वो पापा जी, तन्मय का कॉल था। बहू मैं समझता हूँ कि तन्मय के बिना तुम्हारी रात और तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे हैं। वो मुझे ना कुछ किचन में काम था, मैं वो खत्म कर लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ। अरे बहू आना जरा, पता नहीं इस उम्र में क्या क्या झेलना पड़ेगा। आ, जी पापा जी, कोई प्रॉब्लम है? अरे कुछ नहीं बहू, रात को सोने में थोड़ा डायरेक्शन उल्टा हो गया, बहुत पेन हो रहा है बैक में, दर्द का तेल है लगाते नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं पापा जी, मैं हेल्प कर देती हूँ। Thank you.
अरे भाऊ ये क्या हुआ? अरे ये छुरी कैसे लग गई? देखो कितना खून बह रहा है, रुको मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। पापा जी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? अब तन्मय भी यहाँ नहीं है तो मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना। अभी अगर तन्मय को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेगा वो, पता है? रुको मैं अभी दवा लेके आता हूँ। मुझसे कैसा शर्माना? क्या मतलब पापा जी? लगाने तो दो। मैं सब समझता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है, प्लीज समझो ना। मैं अकेला हूं और तन्मय ने तो कहा था ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। मुझसे कैसा शर्माना? चलो छोड़िए पिताजी, क्या कर रहे हैं आप ये? सरप्राइज। अरे तन्मय तुम क्यों? तुम आ गए? मुझे आना नहीं चाहिए था। नहीं वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम हो गया? हाँ वो तो खत्म हो चुका है, बस उसका रिजल्ट आना बाकी है। अरे बेटा तुम आ गए? अरे पापा जी कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। अरे हमारी बहू रानी ने हमारा इतना ख्याल रखा तो बढ़िया तो होना ही था। सच्ची में? देखो एकदम फिट हूँ। है ना ये आपकी बहू नंबर वन? अरे एक नंबर। अरे अरे बेटा संभालो संभालो संभालो, अंदर लेकर जाओ। डार्लिंग क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ फ्लैट नंबर 203 में आ जाइए प्लीज। आइए बताता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं आपकी फीस अभी ऑनलाइन ट्रांसफर। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। वैसे भी अब तो आपका यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। ओके चलता हूँ, थैंक यू। आपने सुना, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, और मेरा भी तो प्रमोशन हो गया है, मैं भी तो पापा दादा बन गया हूँ। पगली को तो पता भी नहीं है कि ये हम दोनों की मिली जुली प्लानिंग थी। मैं बाप नहीं बन सकता था, इसीलिए मेरे पापा ने मेरा साथ दिया और मेरा रिजल्ट पास आया। Ha 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 ha!
का पास हो गया, हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई। चीयर्स टू आवर प्लानिंग। क्या बना रही हो? वो पिताजी आपके लिए गरम गरम दूध बना रही थी, पी लीजिए।